आज हम ऑथेंटिक तरीके से ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाएंगे और एक एक चीज़ कवर करेंगे कि घर वाली और ढाबे वाली दाल कैसे अलग हो जाती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ढाबा स्टाइल दाल में 2 से 3 तरह के पीली दाल हम यूज़ करेंगे, जिसमें 1 कप होगी अरहर दाल और उसकी क्वांटिटी का 1/4 भाग हम चना दाल और मूंग दाल का लेंगे। अब इन दालों को पहले हम मिनिमम 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, जब तक पानी का रंग जो है एकदम साफ ना आ जाए। देखिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पकने के बाद दाल में एक ऑफ सा, एक बिटरनेस सा टेस्ट आने लगता है। धो लेने के बाद दालों को पानी में 20 से 30 मिनट के लिए हम सोक होने देंगे। टाइम पूरा हो जाने पर दाल को हम स्ट्रेन करके प्रेशर कुकर में अब हम ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च और 1 कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और अमचूर पाउडर, फाइनली अदरक और नमक। अब हम पानी ऐड करेंगे, कितना, जितने में दाल अच्छे से डूब जाए उससे बस थोड़ा सा और ज़्यादा, ये देखिए इस तरह से। अब प्रेशर कुक करेंगे 3 से 4 विसल के लिए, जिसमें 1 हाई फ्लेम पर बाकी लो फ्लेम पर, और खुद ब खुद प्रेशर रिलीज होने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए इतनी गाढ़ी दाल बनके हमारी रेडी है और घर वाली दाल से देखिए ये काफी थिक है। अब हम सबसे पहला तड़का बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए एक पैन में घी को ऐड करके उसके गर्म हो जाने के बाद उसमें सबसे पहले हम जीरा ऐड करेंगे, फिर थोड़ी सी हींग, स्लाइस की हुई हरी मिर्च, चॉप जिंजर एंड चॉप गार्लिक को ऐड करेंगे। अब इतने ही तड़के को हम पहले अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे। जब ये मसाला घी छोड़ दे तब हम 2 बारीक कटी हुई प्याज को पैन में ऐड करेंगे। प्याज को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि गोल्डनिश पिंकिश और जो साइज है इसका कम ना हो जाए। फिर अब बस सेम अमाउंट में कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर को साथ में ऐड करके थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर को। ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल में खाने की भुनाई हमेशा बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पर, कि एंड में आपको दिखेगा और लगेगा कि तड़का मसाला तो कितना कम हो गया है, पर यही भुना हुआ जरा सा मसाला जो है वो फ्लेवर का भंडार हो जाता है। अब इस तड़के में हम दाल को ऐड कर लेंगे और फ्लेम अब मीडियम रहेगी। हल्के हाथ से अब हर चीज मिला लेनी है। फिर देखिए दाल की कंसिस्टेंसी कैसी है, उस हिसाब से गर्म पानी ऐड कर लीजिए, नहीं जरूरत लगे तो रहने दीजिए। अब इस पहले तड़के को हम फाइनल टच देंगे थोड़े से बटर और फ्रेश हरे धनिए के साथ। हल्का सा मिक्स कर लीजिए और फिर पहले हम सर्व कर लेंगे, फिर उसके बाद ही हम दूसरा तड़का बनाएंगे। वैसे इतने में ही दाल इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि मन कर रहा है कि इसको अभी गर्मा गर्म खा लूं। ढाबा स्टाइल है तो दूसरे तड़के के बिना काम तो चलना नहीं है, तो इसीलिए एक तड़के पैन में हम थोड़ा सा घी और ज्यादा सा बटर ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी अदरक और तोड़ी हुई कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला लेंगे। अब जब बटर एकदम गर्म हो जाए तब इसमें हम पतले स्लाइस किए हुए अनियन जो है वो ऐड करेंगे और इन स्लाइसेस को गोल्डन होने तक का वेट करेंगे। उसके बाद ही हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसको स्टर करेंगे और गर्मा गर्म तड़का अब हम डायरेक्टली दाल में ऊपर से स्प्रेड करेंगे। इतनी बढ़िया दाल तड़का अब रेडी है, मेरे से तो देखिए अब वेट नहीं हो रहा है, आप भी मत करिए और घर पर अब इसको बना ही लीजिए। पर उससे पहले कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।